my new YouTube channel, The Bioscience Arena. So here's my first video in which I'm going to discuss class 12th biology syllabus. तो मेरा ये आज की वीडियो बनाने का सिंपल एक ही मोटिव है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि हम उस सब्जेक्ट में आखिरकार पढ़ेंगे क्या. तो 12th क्लास में बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं जो शायद आपने पहले कभी पढ़े भी नहीं होंगे. तो बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे वो आपको क्लास 12th में इजीली क्लियर हो जाएंगे. तो क्लास 12th की बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी के बारे में. तो टोटल बायोलॉजी के यूनिट्स 11th और 12th के मिला के 10 यूनिट हैं, जिसमें कि आपने 5 यूनिट 11th में पढ़ लिया, आगे के 5 यूनिट आप 12th क्लास में पढ़ेंगे. तो आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास की मार्किंग स्कीम और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स और मटेरियल हम पढ़ेंगे इस बारे में डिस्कस करेंगे. तो बायोलॉजी में टोटल 10 यूनिट हैं, 5 यूनिट 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं और आगे के 5 यूनिट हम 12th क्लास में पढ़ेंगे. तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो पहली यूनिट शुरू होती है, यूनिट 6 है वो, जिसका टोटल मार्किंग स्कीम है 14. काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है रिप्रोडक्शन. इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, किस तरह के ऑर्गेनिज्म में किस तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो इसमें हम फ्लावर्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस बारे में पढ़ेंगे. अब हम चैप्टर 3 की बात करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेटोजेनेसिस जिसे हम बोलते हैं, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे और पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन आखिर होता कैसे है. यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बनता है, जायगोट से लेके न्यूबॉर्न बेबी यानी कि ऑफस्प्रिंग पूरा कैसे बनता है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. अब हम बात करते हैं इस यूनिट के आखिरी चैप्टर यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि एसटीडी क्या होता है, कौन कौन सी डिसीज हैं जैसे कि एड्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे. दूसरा, बर्थ कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, और इनफर्टिलिटी कैसे होती है इसके बारे में भी पढ़ेंगे. तो अब आते हैं हम अपने यूनिट नंबर 7 यानी कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. तो जेनेटिक्स होती क्या है, जेनेटिक्स का मतलब है बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, जीन्स और हेरिडिटी वेरिएशंस इन सब के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स. तो इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं. पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिडिटी एंड वेरिएशन. तो ये जो चैप्टर है आपने 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जान रखा है, पर हम इसमें अब 12th क्लास में और ब्रीफली पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में है क्या, मेंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. अब हम आते हैं इस यूनिट के चैप्टर नंबर 6 यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ये कैसे सिंथेसिस यानी कि कैसे बनते हैं इन सब के बारे में जानेंगे, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे. अब आते हैं इस यूनिट के आखिरी चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन. तो इसमें क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन का ओरिजिन कैसे हुआ और लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, और क्या एविडेंस है जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है. कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे जैसे कि डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे, हार्डन एंड वेरनबर्ग की जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में जानेंगे. तो अब हम आते हैं यूनिट नंबर 8 यानी कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर. तो इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का क्या रोल है हम ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, तो इस बारे में जानेंगे. और इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो है 14. तो इसमें 3 चैप्टर आते हैं. पहले चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज यानी कि डिसीज क्या होता है ये जानेंगे, कौन कौन सी डिसीज हैं जो ह्यूमन के अंदर हो जाती हैं और किस एजेंट के थ्रू होती हैं उसके बारे में जानेंगे, जैसे टाइफाइड, मलेरिया और भी हैं उनके बारे में जानेंगे. अगला, इम्यून सिस्टम यानी कि जो डिसीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाए तो कुछ सेल्स होती हैं
जो उन डिसीज कॉजिंग एजेंट से फाइट अप करती है उनके बारे में जानेंगे कि कैसे करती है और कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती है। अगला आते हैं डिसऑर्डर ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि अब इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं और हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालता है, फिर उसके बारे में जानेंगे। तो हम आते हैं चैप्टर 9, यानी कि स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, इन सब के बारे में जानेंगे। और सिंगल सेल से, प्लांट के सिंगल सेल से हम पूरा प्लांट कैसे फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस बारे में जानेंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर जगह इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में दही बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं, एग्रीकल्चर में बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज किए जाते हैं। तो इन सब के बारे में जानेंगे और कैसे यूज किए जाते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 9, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए बिल्कुल नया टर्म है, बिल्कुल नई यूनिट है ये आपके लिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी अपनी अलग ही एक फील्ड है बायोलॉजी में। तो इस यूनिट में आप पढ़ोगे क्या, पहले तो आपको ये जानना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो ह्यूमन बीइंग में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसके जीन्स में, डीएनए में, प्रोटीन में कुछ मैन्युपुलेशन करना, यानी कि कुछ चेंजेस करना, इसी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और अपने डिजायर्ड जीन्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो हालांकि नई यूनिट है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है। तो इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर चैप्टर नंबर 11, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, बेसिक प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, ये पढ़ेंगे, और किस तरीके से यूज की जाती है बायोटेक्नोलॉजी लाइफ में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कोई मैन्युपुलेशन या चेंजेस कर देते हैं अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक को उसमें ट्रांसफर करने के लिए, इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये ही जानेंगे हम कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए आखिर बनाया कैसे जाता है। तो सिंपल प्रोसेस जो है ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 12, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हमने पिछले चैप्टर में हम ये तो जान लेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, हम इसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, इस बारे में हम इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 12 में जानेंगे। अब इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि जीन थेरेपी में यूज की जाती है, जीन थेरेपी के बारे में जानेंगे, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने में इसका यूज होता है। अब ट्रांसजेनिक वर्ड है क्या, तो ट्रांसजेनिक का मतलब ये है जब हम किसी भी एनिमल और प्लांट में अपनी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक को इंसर्ट करते हैं, उसके डीएनए में मैन्युपुलेशन यानी कि चेंजेस लाके, या फिर कुछ जीन्स इंसर्ट करा के, और तो उस एनिमल या उस प्लांट को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल और प्लांट। ठीक, तो हम इस बारे में जानेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी का यूज मेडिसिन्स में भी यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में भी इसको अप्लाई किया जाता है। तो इन सब के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। अब इसकी जो बोर्ड के अकॉर्डिंग मार्किंग है वो है 10 मार्क्स की। तो अगर हम इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे इस यूनिट को, तो बहुत मजेदार यूनिट है, ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेट करती हूँ। अब हम आते हैं लास्ट यूनिट, यानी कि यूनिट नंबर 10, इकोलॉजी। तो बेसिकली इकोलॉजी है क्या, इकोलॉजी बायोलॉजी के वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल सराउंडिंग्स के रिलेशन के बारे में जानते हैं। तो इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो बेसिक टर्म्स जानेंगे जैसे कि बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या है,
कैसे पॉपुलेशन किस टर्म पे डिपेंड करती है, और ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे और कि ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट पे कैसे डिपेंड है। अब है चैप्टर नंबर 14 यानी कि इकोसिस्टम। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कैसे डिपेंड होता है ये पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 15 यानी कि एनवायरमेंटल इशू। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जो ह्यूमन की जो आज की लाइफ स्टाइल है वो कैसे फैक्ट डाल रही है हमारे इकोसिस्टम पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, फिजिकल सराउंडिंग्स पे, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूटेड एजेंट्स कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो अब आते हैं हम अपने सिलेबस के आखिरी चैप्टर यानी कि बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, बायोडायवर्सिटी क्या होती है इस बारे में जानेंगे, कितने लेवल्स हैं बायोडायवर्सिटी के, जैसे कि जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, इन सब के बारे में जानेंगे, और हम एनवायरमेंट को, इकोसिस्टम को या बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं इस बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो 14 है, काफी इजी यूनिट है और स्कोरिंग यूनिट भी है। तो ये तो हो गया हमारे 12th क्लास का सिलेबस कि हम 12th क्लास में आखिर पढ़ेंगे क्या क्या। तो अब मैं बता देती हूँ कि मेरे पढ़ाने का मेथड क्या होगा, मैं किस वे में आपको पढ़ाऊंगी। तो कोई भी जो चैप्टर होगा वो मैं आपको सिंगल वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने एक ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन की तो वो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा और इंटरेस्ट जो होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसीलिए हर चैप्टर के 2 या 3 वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी, और जो मेरा कॉन्सेप्ट होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, यानी कि एनसीईआरटी के जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी पूरे पैराग्राफ्स होंगे चैप्टर में, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो ताकि जब आप कभी भी बुक लेके बैठोगे एनसीईआरटी की, तो आपको पढ़ने में या कोई टर्म जानने में दिक्कत नहीं होगी। अब हर वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो क्वेश्चंस लास्ट ईयर से रिलेटेड होंगे, जो बोर्ड में लास्ट ईयर आ चुके हैं वो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।